हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में। फ्रेंड्स, यहाँ आपको जॉब्स के रिलेटेड हर रोज़ नई से नई अपडेट हम देते रहेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे स्टडी मटेरियल भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ASRB बोर्ड की नई भर्ती। तो फ्रेंड्स, ये एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एंड रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन डिटेल में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि AO एंड फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर यानी कि FAO एट ICAR रिसर्च इंस्टीट्यूट 2021। तो फ्रेंड्स, ये 2021 की नई रिक्रूटमेंट है AO और FNAO पोस्ट के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, द एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ASRB will conduct competitive examination for recruitment to the posts of administrative officer and finance and accounts officer in pay level 10 of 7th CPC pay matrix. तो फ्रेंड्स, 7th CPC pay matrix के हिसाब से पे मिलने वाला है आपको। चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी जो है वो 23rd से स्टार्ट हो जाएगी, 23rd जुलाई से, और जो लास्ट डेट रहेगी फ्रेंड्स इसकी तो वो है 23rd अगस्त। और फ्रेंड्स, ऑनलाइन पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 23rd अगस्त होगी। और CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो Tier 1, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आएंगे, तो वो 10 तारीख को होगा, 10 अक्टूबर। और फ्रेंड्स, जो सेकंड टायर है जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा उसके भी डेट निकालनी है। और जो इंटरव्यू होगा, फाइनल स्टेज जो रहेगी इंटरव्यू, वो भी अभी डेट आनी बाकी है। तो फ्रेंड्स, ये जब भी आएंगे हम आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहेंगे। फ्रेंड्स, एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो AO पोस्ट के लिए यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा वो ग्रेजुएट होना चाहिए और उसके 55% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम, इससे कम नहीं। और फ्रेंड्स, फाइनल ईयर की डिग्री भी होनी चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए, यानी कि आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। और जो दूसरी पोस्ट है यानी कि FAO फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर, इसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए और 55% मार्क्स मिनिमम रखे गए हैं। फ्रेंड्स, तो जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है वो स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस अकाउंटिंग एंड कमर्स एज पोस्ट ग्रेजुएट लेवल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एज CA ICWA CS। वैकेंसीज़ की डिटेल देखी जाए तो फ्रेंड्स, AO की जो पोस्ट है यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जो पोस्ट है उसके लिए अनरिजर्व की 17, EWS की 4, OBC की 14, SC की 7, ST की 2 और टोटल आपके पास 44 वैकेंसीज हैं। फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर यानी कि FNAO कि जो वैकेंसीज हैं अनरिजर्व की 13, EWS की 2, OBC की 4, SC की 2, ST की कोई नहीं है इसमें और टोटल आपके पास 21 वैकेंसीज हैं। तो फ्रेंड्स, ये आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई है, एलिजिबिलिटी बैचलर्स डिग्री है आपकी किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे आप आर्ट्स के हों, चाहे साइंस के हों, चाहे कॉमर्स के, कोई भी हो, बस कंडीशन ये है कि 55% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए आपके, इससे कम नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थी डिटेल में नोटिफिकेशन।
तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि नई से नई नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, तो प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।